नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। रामनवमी के मौके पर जहां पूरा देश भगवान राम का जन्मोत्सव मना रहा था, अयोध्या में भगवान राम का सूर्य अभिषेक किया गया, सूर्य तिलक किया गया, बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे, राम राम के नारे लग रहे थे और पूरे देश भर में लोग जहां राम राम के नारे जप रहे थे, तो वहीं पश्चिम बंगाल में कुछ और हो रहा था। पश्चिम बंगाल में हिंदू शोभा यात्रा चल रही थी रामनवमी के मौके पर, जय श्री राम के नारे लगाते हुए ये शोभा यात्रा एक इलाके से गुजर रही थी, लेकिन तभी पश्चिम बंगाल के लोगों को ये पसंद नहीं आया और फिर उसके बाद इस शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। पथराव के साथ साथ पुलिस ने आंसू गैस के गोले तक दागे। हालांकि जब ये शोभा यात्रा बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से गुजर रही थी, तो उसके बाद जब कुछ उपद्रवियों ने हमला किया, तो पुलिस को यहाँ पर शोभा यात्रा की रक्षा करनी चाहिए थी, शोभा यात्रा का बचाव करना चाहिए था, उपद्रवियों पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उपद्रवियों पर कार्रवाई ना करके शांतिपूर्ण तरीके से अपनी शोभा यात्रा कर रहे हिंदुओं पर आंसू गैस के गोले दागे गए, उन पर पथराव किया गया। बताया जा रहा है कि इसमें 7 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें नज़दीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है और इनका इलाज भी चल रहा है। आपको बता दें, इस मामले में पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष शुभेंदु अधिकारी ने एक बड़ा पोस्ट किया है। उन्होंने इस मामले का सीधा सीधा आरोप ममता बनर्जी पर लगाया है, क्योंकि उनका ये मानना है कि ममता बनर्जी के भड़काऊ भाषण की वजह से ही बंगाल में इस तरीके की हिंसा हुई है और शोभा यात्रा पर पथराव हुआ है। सबसे पहले तो शुभेंदु अधिकारी का पोस्ट और उन्होंने कौन सा वीडियो जो है पोस्ट किया हुआ है ममता बनर्जी का, पहले तो आप वो देख लीजिए। আমি ভাই বোনদের বলবো, যদি দেখেন স্লোগান দিচ্ছে 17 তারিখ ওটা ওদের দাঙ্গা করার দিন, 17 তারিখ ওটা ওদের দাঙ্গা করার দিন, 17 তারিখ ওটা ওদের দাঙ্গা করার দিন। इस मामले में शुभेंदु अधिकारी ने सीधे सीधा आरोप ममता बनर्जी पर लगाया और साथ ही साथ इस मामले में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से भी ममता बनर्जी पर कार्रवाई करने की अपील की है। बहरहाल, इस मामले की वजह से मुर्शिदाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके बाद अब इस मामले में जांच हो रही है और जो घायल है उनका इलाज चल रहा है। इस मामले में बंगाल पुलिस का कहना है कि झड़प शक्तिपुर इलाके में हुई, इस इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। तनाव की स्थिति के मद्देनजर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। हालांकि रात में झड़प की कोई घटना नहीं हुई, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। आपको बता दें, रामनवमी के मौके पर मुर्शिदाबाद ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में भी झड़प हुई है। यहाँ पर रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हुई झड़प में 4 लोग घायल हो गए। बीजेपी का आरोप है कि शोभा यात्रा पर पथराव किया गया, पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। बीजेपी का आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने पार्टी के 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। इस बीच बीजेपी के उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल मौके पर पहुंची और पार्टी कार्यकर्ताओं को रिहा करने की मांग की। पॉल की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टायर जलाए और बिल्डाकांठी राजमार्ग के ब्लॉक पर रात भर प्रदर्शन किया। वहीं नंदीग्राम में बीजेपी दफ्तर जलाने का भी आरोप है। तो बहरहाल, जिस तरीके से एक शांत माहौल में ये घटना हुई है, वो घटना बेहद ही चिंताजनक है, निंदनीय है ही, और इस मामले में पुलिस एक्शन ले रही है। क्या कुछ आगे अपडेट होगा वो अपडेट हम आपको देंगे, लेकिन जिस तरीके से ठीक लोकसभा चुनाव से पहले रामनवमी के शुभ मौके पर और इससे पहले ममता बनर्जी टीएमसी ने भी इस मामले में एक विवादित पोस्ट किया था, जिस पर कि बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी पलटवार किया था। बहरहाल, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।